एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी, टॉपिक है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन। इसमें हम फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स का कंपैरेटिव अकाउंट देखेंगे, ठीक। उसके बाद है कंक्लूजन रेफरेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जिसमें हम वर्टिब्रेट्स में ब्रेन का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। वर्टिब्रेट्स में ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। मोस्ट वर्टिब्रेट में ब्रेन फ्रंट हेड में होता है। यह क्रैनियम मींस स्कल द्वारा प्रोटेक्टेड होती है, ठीक, एंड मेन सेंसरी ऑर्गन के समीप होते हैं। ब्रेन एक्सक्रेमली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ब्रेन बॉडी के आउटर ऑर्गन को कंट्रोल करता है, या तो मसल्स के एक्टिवेट कर या हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे केमिकल का सिक्रेशन करके या करना, ठीक। एक एडल्ट ह्यूमन के ब्रेन का वेट 1300 से 1400 ग्राम होता है। ऑल वर्टिब्रेट के ब्रेन का स्ट्रक्चर बेसिकली सेम होता है, बट ड्यूरिंग इवोल्यूशन वर्टिब्रेट ब्रेन में चेंजेस आते गए एंड ब्रेन मोर इफेक्टिव होते गए। इस प्रकार लोअर एनिमल्स में मोस्ट या ऑल ब्रेन स्ट्रक्चर इनहेरिटेड होती है और इसलिए उनका बिहेवियर मोस्टली सहज होती है। मैमल्स एंड स्पेसिकली ह्यूमन में ब्रेन का डेवलपमेंट ड्यूरिंग लाइफ लर्निंग से होता है। इससे उन्हें इन्वायरमेंट में बेटर लाइफ होने में हेल्प मिलती है। जनरली ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट फोर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन, थर्ड है हिंड ब्रेन, ठीक। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में है ब्रेन वर्टिब्रेट्स के स्कल में निहित सॉफ्ट नर्वस टिश्यू का एक ऑर्गन है जो सेंसेशन एंड इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक एंड नर्वस एक्टिविटी के कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के रूप में कार्य करता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, ठीक। हम देखते हैं ब्रेन का कंपैरेटिव अकाउंट। फिश से लेकर मैन तक सभी वर्टिब्रेट का ब्रेन सेम बेसिक आर्किटेक्चरल प्लान के अकॉर्डिंग बना होता है, बट एनिमल की हैबिट एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्टिब्रेट में ब्रेन का फॉर्म डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिशेस का। फिशेस का कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन में सबसे पहले हम देखते हैं फिशेस, ठीक। फिशेस का ऑल्फैक्टरी लोब्स वेरी लार्ज होता है, मींस बड़ा होता है। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट शॉर्ट होता है। ऑप्टिक लोब्स एंड पैलियम साइज में मॉडरेट होता है। देखिए ऑल्फैक्टरी लोब्स में हम देखते हैं ये वाले पार्ट्स को ऑल्फैक्टरी लोब्स बोलते हैं, ये वेरी लार्ज होता है। उसके बाद देखते हैं ऑप्टिक लोब्स एंड पैलियम साइज में मॉडरेट होता है। देखिए ऑप्टिक लोब्स ये यहाँ से यहाँ मॉडरेट हुआ है, मतलब सीमित हुआ है, ठीक। मिड ब्रेन कैविटी काफ़ी लार्ज होती है एंड ऑप्टिक लोब्स में एक्सटेंड होती है। इस वाले पार्ट्स को हम मिड ब्रेन बोलते हैं और ये मिड ब्रेन कैविटी काफ़ी लार्ज होती है और ऑप्टिक लोब्स में फैली होती है, इस पार्ट्स में फैली होती है, ठीक। एक थिन वाल्ड वेस्कुलर सेंसरी ऑर्गन जिसे सक्सस वेस्कुलोसस कहा जाता है, पिट्यूटरी से अटैच्ड होता है एंड
सेरेबेलम के साथ फाइबर ट्रैक्ट द्वारा कॉन्टैक्ट होता है। पीनियल एपरेचर्स वेल डेवलप्ड होता है। एक्टिव स्विमिंग हैबिट के कारण सेरेबेलम स्पेसिकली लार्ज होता है। सेरेबेलम इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक उसके बाद है मेड्यूला के एंटेरो लेटरल एंगल में रफर लाइक रेस्टिफॉर्म बॉडीज प्रेजेंट होती है। इसमें न्यूरोपोर पाई जाती है। ठीक ये डायग्राम है स्कॉलिडोन ब्रेन डॉर्सल व्यू। हम फिशेस में स्कॉलिडोन का ब्रेन देखते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सैक, ये वाले पार्ट्स, और इस वाले पार्ट्स को ऑल्फैक्टरी लोब्स बोलते हैं। ये है हमारा न्यूरोपोर। ठीक और उसके बाद है ये है सेरिब्रम और ये है ऑप्टिक लोब्स मेड्यूला एब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक सेकेंड कॉम्परेटिव अकाउंट देखते हैं एम्फीबियन का। एम्फीबियन का ऑल्फैक्टरी लोब्स स्मॉलर होता है। देखिए ये है ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये छोटा है स्मॉलर होता है। ऑप्टिक लोब्स लार्ज होता है। ऑप्टिक लोब्स देखिए ये बड़ा बड़ा है, दो ठो ऑप्टिक लोब्स। ठीक कॉर्पस स्ट्रेटम मोटा होता है एंड रिसीव ग्रेटर नंबर ऑफ सेंसरी फाइबर फ्रॉम थैलेमस। सेरिब्रल हेमिस्फीयर मोर डेवलप्ड होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेपरेटेड होता है एंड लोकोमोशन हाइबरनेशन ब्रीडिंग ईटीसी। ऑप्टिक लोब्स एम्फीबियन ब्रेन का प्रमुख कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मिड ब्रेन की वाल थिक हो जाती है एंड ल्यूमेन एक नैरो पेसेज में बदल जाता है जिसे इक्वाडक्ट कहा जाता है। सेरेबेलम पुअर डेवलप्ड होता है एंड मेड्यूला भी स्मॉल होता है। ऑल मॉडर्न एम्फीबियन में एक स्मॉल पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक ये है एम्फीबियन का कंपैरेटिव। इसमें हम डायग्राम देखते हैं ब्रेन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का ब्रेन देखते हैं। इसमें इस वाले पार्ट को ऑल्फैक्टरी लोब्स बोलते हैं। ये है सेंट्रल हेमिस्फीयर पीनियल बॉडी, ऑप्टिक लोब्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, इस वाले पार्ट को मेडुला ऑब्लॉन्गेटा बोलते हैं। ये है इसका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक थर्ड कॉम्पेरेटिव अकाउंट देखते हैं रेप्टेलियन का। कंप्लीट टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के कारण रेप्टेलियन का ब्रेन एम्फीबियन की तुलना में साइज एंड प्रोपोर्शन में एडवांटमेंट शो करता है। ठीक सेरेब्रल इंक्रीज होकर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट बनाते हैं। यह है इसका डायग्राम। इसमें हम देखते हैं ब्रेन डायग्राम ब्रेन ऑफ स्नैक्स। हम रेप्टेलियंस में स्नैक्स का ब्रेन देखते हैं। इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब हैं, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट हैं और इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये वाला पार्ट्स है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं। ऑप्टिक लोब्स ये है, सेरेबेलम ये है और ये है मेड्यूला, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक उसके बाद देखते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स टू। ये है ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये वाला पार्ट्स एक है और ये वाला पार्ट्स एक है। तो इसमें बोल रहा है ऑल्फैक्टरी लोब्स टू लॉन्ग एंड लार्ज देन एम्फीबिया। ऑल्फैक्टरी लोब्स लॉन्ग एंड लार्ज होते हैं कॉम्पेरेटिव की एम्फीबियन की तुलना में। ठीक ऑर्गन्स ऑफ जैगवर्सन से एक फाइन
वो मेरोन सॉल नर्व ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाती है। ऑप्टिक लोब्स के पोस्टेरियर में ऑडिटरी लोब्स की एक पेयर पाई जाती है जो सॉलिड होती है। ठीक, सेरिबेलम पियर सेप्ड होता है, पियर के सेप में होता है, क्या कौन होता है? सेरिबेलम। ठीक, लार्ज देन एम्फीबिया, एम्फीबिया की तुलना में लार्ज होता है। ठीक, यह है रेप्टाइल्स का कॉम्पेरेटिव। उसके बाद फोर्थ देखते हैं एवीज, एवीज मीन्स बर्ड्स का कॉम्पेरेटिव अकाउंट। एवीज का ब्रेन प्रोपोर्शनैलिटी लार्ज देन रेप्टाइल्स, शॉर्ट एंड ब्रॉयड होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स स्मॉल होता है, सेरेब्रम लार्ज स्मूथ एंड प्रोजेक्टेड ओवर डायन्सेफलॉन, पेलियम थिन होता है, बट कार्पस स्ट्रेटम ग्रेटली इलोंगड होता है। थैलेमी के ग्रेट डेवलपमेंट के कारण थर्ड वेंट्रिकल भी नैरो होता है। मिड ब्रेन पर ऑप्टिकल लोब्स वेल डेवलप्ड होता है बट लेटरली डिस्प्लेस्ड होता है। यह है डायग्राम है ब्रेन ऑफ फिगोन। ठीक, ऑल्फैक्टरी बल्ब सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये है पिनियल बॉडी इसको बोलते हैं, ये दोनों हैं ऑप्टिक लोब्स, इस वाले पार्ट्स को मेडुला बोलते हैं, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, उसके बाद फाइव नंबर देखते हैं मैमल्स, मैमल्स का कंपेरेटिव देखते हैं, ब्रेन कंपेरेटिवली लार्ज होता है, किसका? मैमल्स का। इसमें देखते हैं सेरिब्रम में हम देखते हैं प्रोटोथेरिया स्मॉलर एंड स्मूथ होता है, रेप्टाइल लाइक। ठीक, मेटाथेरिया लार्ज बट स्मूथ होता है, हायर मैमल्स ग्रेटली इलार्जेड डिवाइडेड इनटू लोब्स। ठीक, सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेड ऑफ ग्रे मैटर, सेरिब्रल मोटा होता है और कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का बना होता है, रैबिट स्मूथ विथ फ्यू फशर। ठीक, उसके रखते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स रिलेटिवली स्मॉल बट क्लियरली डेफिनेट होते हैं एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कवर्ड होती है, डायन्सेफेलॉन एंड मिड ब्रेन कंप्लीटली कवर्ड बाय सेरिब्रम। ठीक, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स फॉर सॉलिड ऑप्टिक लोब्स। उसके बाद देखते हैं सेरिबेलम, लार्ज फोल्डेड एंड मिड ब्रेन मेडुला दोनों के ऊपर स्थित हो सकता है। उसके बाद देखते हैं पोन्स वेरोली, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम के अपोजिट साइड को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? पोन्स वेरोली सेरिब्रम एंड सेरिबेलम के अपोजिट साइड को जोड़ता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हिंड ब्रेन में डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के रेगुलेशन में सेंट्रल होते हैं। ठीक, एक बार देखते हैं हिंड ब्रेन में डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के रेगुलेशन के सेंटर होते हैं, कौन होते हैं? हिंड ब्रेन होते हैं। ठीक, ये डायग्राम है ब्रेन ऑफ सीप, ये मैमल्स है, मैमल्स का है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये वाला है ऑप्टिक लोब्स, ये है सेरिबेलम, ये है मेडुला स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन में है
ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। यह बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ब्रेन का डेवलपमेंट एक्टोडर्म के स्पेशल सेल से होता है, जिसे न्यूरल प्लेट कहा जाता है। ब्रेन के स्ट्रक्चर में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ऑल वर्टिब्रेट का ब्रेन सेम आर्किटेक्चरल प्लान से बना होता है, बट हैबिट एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग ब्रेन का फॉर्म डिफरेंट वर्टिब्रेट में डिफरेंट होता है। उसके बाद लास्ट है इसका रेफरेंस में है मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ वर्टिब्रेट बाय आर एल कोटपाल।